अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, आज हम थोड़ा सा पिछली कुछ वीडियोस में मैंने अपनी एक्सरसाइज रूटीन भी बताई, मैंने अपना कुछ पीछे एक जो मेरा प्रॉब्लम्स थी, जो मेरा ओबेसिटी था और फिर जो उसकी वजह से जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस थी वो आप लोगों से डिस्कस की, फिर कोशिश की कि जिम रूटीन भी आप लोगों को दिखाएँ। वीडियो ये वाली बनाने का मकसद ये है कि उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि उन लोगों को मोटिवेट करना जो लोग बिल्कुल अपने वेट को लेके मायूस हो चुके हैं कि उनका वेट नहीं कम हो सकता और वो अब मोटे ही रहेंगे और उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को वो बजाय इसके कि वो वेट रिड्यूस करके अपना फैट लॉस करके अपने आप को उससे पैदा होने वाली मेडिकल कंडीशंस को डील करें, वो बजाय उसके वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, वो डॉक्टर्स के पास जाकर और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च के गोलियाँ खाना शुरू कर देते हैं जो उसकी रूट कॉज है उसके ऊपर नहीं जाते, उसके ऊपर कोशिश नहीं करते। तो ये वीडियो का मकसद यही है कि उन लोगों को मोटिवेट करना जो अपनी वेट की वजह से बहुत परेशान है। तो मेरा वेट फिर मैं दोबारा बता देता हूँ इस वीडियो में, मेरा वेट 150 केजी था और मेरी वेस्ट 56 इंच थी। अच्छा, इसके अलावा पूरी बॉडी कंपोजिशन जो थी वो बहुत ज़्यादा आउट थी, ख़राब थी। यानी सिर्फ वेस्ट की बात नहीं है, मेरे चेस्ट के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा फैट आ गया था, मेरी बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट था, उसके अलावा मेरे पूरे ओवरऑल बॉडी में मेरा फैट था। मेरी बॉडी फैट परसेंटेज जब मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी थी और कुछ वेट रिड्यूस कर लिया था, उसके बाद जाके मेरा बॉडी एनालाइजर जो टेस्ट होता है वो करवाया था, बॉडी एनालाइजर टेस्ट था, उसमें मेरी जो बॉडी फैट पहली दफ़ा मैंने देखी वो 58% बॉडी फैट थी। इस और वो उस वक्त था जब मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस कर लिया था, यानी 10-12-15 केजी लॉस कर लिया था, उसके बाद मैंने चेक कराया था, तो यकीनन वो उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो आज मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा। कल मैं गया था, मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि मैं सिटी सेंटर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें थी, वजह थी उसकी, उसमें मैं एक वहाँ पर डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट होता है वहाँ पर, ये टेस्ट जो है बिल्कुल फ्री हो जाता है, जिसमें वो आपका पूरा लीन बॉडी मास, आपका वाटर रिटेंशन, आपकी बॉडी में कितना है, आपके बॉडी फैट कितना है, वो सब उसमें बताते हैं। तो वो मैंने टेस्ट वहाँ पे करवाया, उसकी रिपोर्ट आ गई है। और मकसद ये था कि ये दिखाना अपना रूटीन कि मैं ब्रेकफास्ट क्या करता हूँ, लंच क्या करता हूँ और डिनर क्या करता हूँ और फिर मेरी एक्सरसाइज रूटीन क्या है। तो ब्रेकफास्ट तो देखें, अभी आजकल मेरी डाइट थोड़ी चेंज हुई हुई है, पहले वाली डाइट मैंने शेयर की थी आप लोगों से। तो आजकल मैं सुबह उठते ही जो हल्दी का पानी होता है उसको, एक चम्मच हल्दी को उसमें पानी में थोड़ा सा नीम गर्म पानी के अंदर डाल के और नींबू डाल के सबसे पहले तो निहार मुँह ये पी लेता हूँ, बहुत इफ़ेक्टिव है आपका। मतलब मैं सोर थ्रोट मुझे महसूस होता था, चीज़ें होती थी, तो वो उससे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हल्दी और हीलर है बहुत ज़्यादा, वो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, तो वो उससे और भी आपको फ़ायदा है। और दूसरा ये कि वो आपका जो बॉडी के अंदर फैट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद मैं ये ब्रेकफास्ट करता हूँ, जिसमें 3 वाइट एग्स होते हैं, 1 ग्रीन एप्पल है और 1 छोटा खीरा जो होता है कुकम्बर होता है वो, और 2 ब्रेड स्लाइस के हैं ब्राउन ब्रेड के, ठीक है, होल व्हीट के ब्राउन ब्रेड के, ये ले लेते हैं। अब ये करने के बाद आगे का 2 घंटे बाद ये है कि मैं कोई एक फ्रूट ले सकता हूँ, ऑरेंज सिट्रिक फ्रूट ले रहा तो वो ठीक है, अदरवाइज थोड़े से कोई नट्स ले लिए, क्योंकि हमें सैचुरेटेड फैट्स चाहिए होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, वो आपके फैट लॉस में भी हेल्प करता है। फिर उसके बाद जिम जाने से पहले मैं CLA लेता हूँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया CLA कार्टिनाइन होता है, वो ज़रूरी है लेने के लिए, वो आपकी एनर्जी बूस्ट करता है और जो आपके अंदर फैट है, स्टोरेज फैट है, उसको यूटिलाइज करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के अंदर। CLA लेने के बाद मैं जिम चले जाता हूँ, जिम में साथ ऑब्वियसली मैं BCAA लेके जाता हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दुबई में, UAE में, और आपको बहुत पसीना भी निकलता है, क्योंकि वर्कआउट मेरा 2 घंटे का 2.5 घंटे का सेशन होता है, उसमें काफ़ी कैलोरीज बर्न भी होती है, तो आप बिल्कुल लथार्जिक फील करने लग जाते हो, आप डिजीनेस हो जाती, तो BCAA ज़रूरी है, वो आपको सपोर्ट करता है आपके वर्कआउट रिजीम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद वर्कआउट से आने के बाद वैसे तो रिकमेंडेशन है कि 1 ग्रेपफ्रूट खा लिया जाए, बट मैं 3 वाइट एग्स वर्कआउट से आने के बाद वो खाता हूँ। अपना मैं ISO 000 लापारवा का मैं वो लेता हूँ, प्रोटीन लेता हूँ, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि
आप लीन मसल को आप प्रमोट कर रहे होते हो कि बिल्ड करने के लिए उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है, फैट लॉस के लिए आप डाइट क्रैश डाइट्स भी कर रहे होते हो, आप कैलोरीज डेफिसिट में होते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रोटीन चाहिए चाहिए, तो वो प्रोटीन लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना डिनर कर लेता हूँ। डिनर में मैं एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लेता हूँ, थोड़ी सी चिकन लेता हूँ, वो 150 ग्राम 200 ग्राम के करीब चिकन होती है वो, और वो बॉयल होती है या स्टीम होती है या फिर सालन की तरह बॉयल करके आप बना लें, सिर्फ उसमें फ़र्क ये कि तेल ना डालें। और उसके साथ मैं फिर ये ग्रीन सैलड लेता हूँ जिसमें खीरा भी होता है, सैलड पत्ते होते हैं, और ककड़ी हो तो ककड़ी हो जाती है, और जो जो ग्रीन सैलड में जो चीज़ें आती हैं वो आप ले सकते हैं। तो ये रूटीन रहता है मेरा, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इससे फ़र्क पड़ रहा है, कोशिश कर रहे हैं अभी। अच्छा मैं रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करूं, कल मैं ये रिपोर्ट करा के लाया था, तो 5'11" मेरी हाइट है, मेरा जो वेट है वो उसमें आया है तकरीबन 98 kg मेरा वेट आया है, और इसमें बॉडी फैट जो मेरा आया है वो इसमें 29% आया है, 29% बॉडी फैट आया है। मैंने पाकिस्तान में कराया था, मैंने बताया था जैसे कि 20s के अंदर आ गया है वो, 21, 22, तो वो मैंने इससे पूछा, मैंने बोला मशीन का डिफरेंस होता है तो उस पर वॉटर ना करें, लीन मसल मास अच्छी क्वांटिटी में जो उसमें बॉडी फैट ये इंशाल्लाह अपना आता रहेगा, उसको हमने 15% का टारगेट बनाया है, उसको पहले टारगेट में ये लेकर आएंगे इंशाल्लाह और आपसे शेयर भी करेंगे। और इसमें जो जो इसमें आया जो बॉडी जो टोटल बॉडी वाटर है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा है, इसमें रेंज होती है 41 से 43 की और मेरा आया 54, तो बॉडी वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो फैट के अंदर जो बॉडी के अंदर बताया कि जहाँ पर मेरे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एरिया है, वो ऑब्वियसली सबसे आखिरी में सबको पता है कि वो जाता है लोअर एब्डोमिनल का फैट है, मेरा ट्रंक जो होता है उसमें फैट है अभी भी और उसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इंशाल्लाह उसको भी करेंगे गिराएंगे। तो ओवरऑल अल्लाह का शुक्र रिपोर्ट बहुत अच्छी है पहले के मुकाबले में, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। बॉडी वाटर ज़्यादा है इसके अंदर, उसके लिए एक्सरसाइजेज बताई हैं, उसके लिए 3 लीटर कम से कम पानी एक दिन के अंदर पीना होता है, और एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके पसीना निकालना होता है। तो कोई भी इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया, कोई भी अगर कोई पूछता है कि भाई कौन सी गोली खा ली, दवाई खा ली, इंजेक्शन लगा ली, तो भाई कोई गोली नहीं खानी है, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि आप वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा तो हो जाएगा, आप वेट गिरेगा, लेकिन उसकी होने की वजह से आपको नुकसान जो होंगे वो फिर आप भुगतते रहेंगे, आप भी किसी मोड़ पे आगे सोचेंगे कि इससे अच्छा तो ये था कि मैं मोटापा ही पाल के चलता रहता, ये बहुत हार्मफुल होते हैं। जो चीज़ें बताई हैं जो आप ले सकते हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स बताते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं और अप्रूव भी होते हैं, वो सप्लीमेंट्स हैं वो आप लें, वो मैंने बता भी दिया आपको। जैसे अपने कल वहाँ गया था तो मुझे रिकमेंड किया है, ये प्रमोशन तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, लापारवा वालों का मसल टेस्टो है ये, अच्छा ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है ये, और ये नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इस पर रिसर्च कर ली, बड़ा अच्छा है ये, 4 कैप्सूल लेने होते हैं 1 महीने का है, तो यहाँ तो ये 240 धर्म का है, लगभग पाकिस्तानी 13-14 हज़ार रुपये का 1 महीने का है। तो अच्छा होता है इससे ये कि टेस्टोस्टेरोन जब आपके कम होते हैं तो आपका फैट लॉस प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, आपके और बॉडी फंक्शंस जो मेल बॉडी फंक्शंस हैं, ये मेल हार्मोन है, वो काफ़ी इफेक्ट कर जाते हैं, तो ये लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जिस जो मैं डाइट ले रहा हूँ और जो एक्सरसाइज रूटीन मुझे मिला हुआ है उसमें ये इसकी अशद ज़रूरत है, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भाई मोटे हो गए तो अब बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, तो बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक बड़ी मदद करने वाला है, हिम्मत करें, जिम ज्वाइन करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें पूरी एंड तक देखें, इंशाल्लाह कोई चीज़ समझ आती है, नहीं आती तो पूछें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँगा मैं, कोई इसके अंदर नहीं है। अगर पुरानी मेरी अगर तस्वीरें आप लोग देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे, अभी स्टिल मुझे काफ़ी लंबा सफ़र जो है वो क्रॉस करना है, बट जो बहुत ख़तरनाक वाली चीज़ थी जो मेनली इसके अंदर जो मुझे गोल अचीव हुआ जिसको मैं समझता हूँ और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, जो ब्लेसिंग है कि मेरी शुगर बहुत हाई रहती थी, मुझे इंसुलिन रिकमेंड कर दी थी मेरी 450-450 के करीब रैंडम होती थी, फास्टिंग मेरी 250 के करीब होती थी, और इसके अलावा मुझे ग्रेट का प्रॉब्लम था गैस रूफ्लेक्स का, एसिड रूफ्लेक्स का,
वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तो मैं रोज़ाना वो गोलियाँ लेता था, उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया था, इरेगुलर हार्ट बीट्स होती थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। अल्लाह ने बहुत मदद की कि उन सब से निकल गया हूँ, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ इन चीज़ों के हवाले से, अल्लाह ने बड़ा करम किया। तो मैं इसको एज अ ट्रीटमेंट लेके चल रहा हूँ और अल्लाह पाक मदद करेगा। इसी तरीके से आप लोग भी कोशिश करें और हिम्मत करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। और कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।